हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय चौधरी और मैं और मेरा भाई और एक दोस्त के साथ में मैं अभी जा रहा हूं दूधसागर वाटरफॉल और उसके जाने के लिए हम अभी मड़गांव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए हैं। ये मेरे पीछे मड़गांव और अभी हमारा गाड़ी आ रहा है वास्को कुलेम 18048 शालीमार एक्सप्रेस। अभी अब हमारी गाड़ी आ चुकी है जिसका हम वेट कर रहे थे। ये गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही थी। इसका नाम है शालीमार एक्सप्रेस। बहुत वेट कराया इस गाड़ी ने। ये आया है कुलेम स्टेशन। इसके बाद में यहाँ से आधा घंटा और दूर, जिसके बाद में दूधसागर वाटरफॉल लगेगा। मड़गांव रेलवे स्टेशन से लेके कुलेम तक बीच में गाड़ी कहीं रुकता नहीं है, छोटे मोटे स्टेशन ही है। और अगर कुछ आपको खाने पीने की चीज़ें लेना है तो आप मड़गांव स्टेशन से ले सकते हैं, क्योंकि कुलेम में ज़्यादातर कुछ अवेलेबल है ही नहीं। और गाड़ी सिर्फ क्रॉसिंग के लिए रुकती है, छोटा सा स्टेशन है ये भी गोवा में ही आता है। स्टेशन घाट सेक्शन में आने की वजह से यहाँ से ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब चढ़ाई होती है, इसलिए इधर आने बाद 2 इंजन को अटैच किया जाता है, एक सामने और एक पीछे। ये देखिए, पीछे से एक इंजन गार्ड के साइड में अटैच हो रहा है। और अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है कुलेम स्टेशन से, और ये स्टेशन से टोटल 11 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है दूधसागर वाटरफॉल। सोनोलियम स्टेशन है, उसके बाद में दूधसागर वाटरफॉल आता है। अभी हम पहुंचे सोनोलियम स्टेशन और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर पर दूधसागर वाटरफॉल है। और यहाँ से गाड़ी का स्पीड, ट्रेन का स्पीड काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि घाट सेक्शन है और टेरेन भी काफ़ी टफ है। और ये दूधसागर वाटरफॉल, अभी पानी का बहाव कम है क्योंकि हम अक्टूबर महीने में आ रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं दूधसागर रेलवे स्टेशन और हम ये दूधसागर वाटरफॉल स्टेशन जो है दूधसागर वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर वहाँ पर उतरे हैं। और उसके बाद में हम अभी निकल के जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल स्टेशन के तरफ। ये जो देख रहे हैं साइड में कटिंग्स और आगे एक टनल है, उसको क्रॉस करने के बाद दूधसागर वाटरफॉल लगेगा। और ये साइड का नज़ारा इसका, और ये देखिए दूधसागर वाटरफॉल पहुँचने से पहले पत्थरों की कटिंग्स, कितना डेंजर लग रहा है ये। और इधर से वाटर पत्थर ऊपर से गिरने का भी रिस्क रहता है। ये अब हम आज पहुंच चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल। हम जो ट्रेन से निकले थे मॉर्निंग में, वो ट्रेन दूधसागर वाटरफॉल स्टेशन पर रुकी थी और वहाँ से हम ट्रेक करते करते काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। और ये पास में ही दूधसागर वाटरफॉल है। थोड़ा सी ट्रेकिंग करने बाद अब हमको दूधसागर वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ये है दूधसागर वाटरफॉल। पहुँच चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल और सामने उसका बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, दूधसागर वाटरफॉल झरना स्टेशन का पास का एरिया। और आप आसपास देख सकते हो इतनी कटिंग्स है और माउंटेन्स कैसे है, और इतने टफ सीजन में और बारिश के समय यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस है, या फिर इसलिए यही रीज़न की वजह से इधर बारिश में टूरिस्ट को आने के लिए मना किया जाता है या फिर परमिट नहीं किया जाता है। दूधसागर वाटरफॉल झरना, ये उसका बोर्ड, और सामने ही उसी पास में ये दूधसागर वाटरफॉल दिख रहा है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल में से एक है, जिसकी 300 मीटर हाइट है। नीचे से रेलवे ट्रैक से ऊपर तक 300 मीटर तक हाइट है और काफ़ी बारिश के समय काफ़ी ब्यूटीफुल और
डेंजर नज़ारा बन जाता है ये। और लास्ट टाइम इधर ट्रेन डिरेल भी हुआ था, उसके कुछ लोकेशन आगे साइड में गुड्स ट्रेन डिरेल हुआ था, उसके वजह से यहाँ पर एक हफ्ता तक ट्रेन को या टूरिस्ट को बंद किया गया था, मतलब परमिट नहीं किया गया था। वैसे भी टूरिस्ट परमिट नहीं है, रेलवे स्टाफ को भी परमिट नहीं किया गया था। देखिए लोग दूध सागर वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं उनके साथ में फॉरेस्ट गार्ड भी है और स्विमिंग कर रहे हैं। ये घना जंगल जंगल को क्रॉस करके वो लोग आए हैं। फिर से हम दोबारा दूध सागर वाटरफॉल, लास्ट टाइम आए थे जून में और अभी फिर से। और अगर दूध सागर वाटरफॉल तुमको आने का मौका मिल जाए तो खुशी बहुत हाई लेवल की रहती है। और उसमें साथ में तुम्हारे दोस्त और मेरा भाई भी है, लास्ट टाइम भी आए थे हम। और देखिए इधर टूरिस्ट को अभी अलाउ नहीं किया है, शायद अगले महीने से, नवम्बर महीने से किया कर सकते हैं, लेकिन अभी तो किया नहीं है। और दूध सागर वाटरफॉल और इसके अपोजिट साइड से ये जो है रिवर मांडवी रिवर है जो पंजिम में जाके मिलती है। और अभी ट्रेकिंग के लिए जब चालू होता है नवंबर महीने में तो लोग इधर से ही, वो नीचे साइड में दिख रहा है उधर साइड में ही, वहाँ तक ही आ सकते हैं, इसके ऊपर तक आ नहीं सकते। और ट्रेकिंग इतने घने जंगल से टोटल 10 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके यहाँ तक आ सकते हैं, और लेकिन ऊपर के साइड में नहीं आ सकते, नीचे के साइड में आ सकते हैं। उसका कुछ फी अलग से रहता है, 2 या 3 हज़ार रुपये पर पर्सन उसके लिए, पर अलग से तुमको गाइड की ज़रूरत होती है और गाइड के बगैर तुमको इधर परमिट किया नहीं जाता है। तो दोस्तों अब हमारा दूध सागर वाटरफॉल देखना हो चुका है जिसके लिए हमने बहुत दिनों से वेट किया था, और अब हम जा रहे हैं फिर से दूध सागर वाटरफॉल स्टेशन के पास में। वहाँ से हमको वही ट्रेन मिलेगा जो मॉर्निंग में मिला था, और उसके बाद में हम फिर से जाएँगे मडगांव रेलवे स्टेशन। और अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।